हेलो हाय नमस्ते एवरीवन, दिस इज परवेज एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। ये मेरा लाइफ का सबसे पहला ब्लॉग है, इसलिए मतलब कोई मिस्टेक हो गया तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, पहले ही बता देता हूँ। और ये जो वीडियो करने के लिए मतलब इसका जो वीडियो करने का वजह है वो है मेरा भाई जो मतलब अंकुश, जो जम्मू कश्मीर से यहाँ तक आए थे मतलब ताकि व्लॉग कर सके, ताकि घूम सके। लेकिन क्या हो गया कि वो थोड़ा बीमार पड़ गया है और वो मतलब इस टाइम पे व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रहे। तो अभी जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट उसका जो फ़ैन वगैरह होता है ना वो मिस कर रहा है, इसलिए हम सोचे कि मैं उसके लिए हम अच्छे से एक व्लॉग बनाए। तो आप लोगों के लिए आज ना मैं व्लॉग बनाऊँगा, ठीक है? अगर कोई गलती हो गया है तो मुझे माफ़ कर देना, और मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है तो प्लीज़ डोंट ब्लेम मी। तो अभी आज हम जा रहे हैं वहाँ पे, वो जो पहाड़ दिख रहा है ना वहाँ पे ऊपर, हाँ वहाँ पे जा रहे हैं। और वो जगह का नाम है नुआगढ़, और वहाँ पे एक दरबार है और वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है, हर साल में एक बार फेस्टिवल होता है, जिस फेस्टिवल का नाम होता है सिंदूर यात्रा। सो ज़्यादा बात ना करे हुए हम आपको वहाँ लेके चलते हैं और हम आपको वहाँ का माहौल भी दिखा देंगे। गाड़ी में बैठ चुके हैं तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, तो देख लेंगे वहाँ पे मतलब कितना माहौल होगा। और अभी जो गाड़ी है वो भी बहुत ज़्यादा पैक है, आप देख सकते हो इतना ज़्यादा भीड़ है। तो वहाँ पे ना बहुत सारे लोग आएंगे, इसलिए मतलब थोड़ा सा गाड़ी आज थोड़ा ज़्यादा भी मिलेगा यहाँ पे, और बाकी वीडियो जो होता है हम ऊपर जाके आपको दिखाएंगे। यहाँ पे ना लगता है मतलब बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम सोचिए कि मतलब यहाँ पे नीचे जो है ना यहाँ पे जिप लाइन भी है और अच्छा से मतलब फ़ोटो वगैरह लेने के लिए एक अच्छा सा जगह है। तो हम सोचे कि वहाँ पे चले जाए, और वहाँ पे एक रिसोर्ट भी है और हम कुछ खा भी लेंगे वहाँ जाके। तो देखते हैं, वहाँ लेके भी चलते हैं और आपको वहाँ के मतलब जो व्यू वगैरह होता है ना तो सब कुछ दिखा देंगे, ठीक है गाइस? तो अभी हम अंदर आ चुके हैं, तो आप हम लोगों को ना यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा वो सब दिखा देगा, ठीक है? ये जो है ना ये टिकट काउंटर है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे प्राइस वगैरह होता है, तो नेकलिस के लिए होता है मतलब 2500, अगर मतलब दो लोग है तो उसको पड़ेगा मतलब 4500। गाइस अभी हम थोड़ा अंदर आ चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़ा रेस्टोरेंट है, अगर आपको भूख लग रहा है तो यहाँ आके कुछ खा भी सकते हैं। और यहाँ का जो माहौल है ना बहुत बढ़िया है गाइस, मैं आपको दिखा दूँगा। नीचे आप देख सकते हो इतना अच्छा व्यू दिख रहा है। मामा का मतलब होता है मदर, और ये हो गया जिप लाइन। ये जिप लाइन ना उधर से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड हो जाता है। और आपको पता है यहाँ पे ना लोग ज़्यादातर लोग क्या होता है कि सिर्फ फ़ोटो खींचने के लिए आते हैं, और ये तो एक्चुअली वो टूरिस्ट एरिया जैसा है, तो इसलिए मतलब यहाँ पे थोड़ा टिकट सिस्टम कर दिया है। यहाँ पे ना थोड़ा स्विंग खेलने के लिए आए थे, लेकिन हमको लगता है कि ये हमारा जो वारी है ना वो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इतना सारे लोग हैं ना। आप लोगों को बता देंगे कि ये जो नुआकोट जो डिस्ट्रिक्ट है ना, इसका मतलब मेन जो दरबार होता है आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा, वो वहाँ पे वो अभी कंस्ट्रक्शन पे है, ठीक है? क्या होगा कि जब अर्थिक आ गया ना वो मतलब वो बिगड़ सके, हम आपको मतलब वहाँ लेके भी वहाँ जाके भी दिखा देंगे, अभी के लिए यहाँ से देख लेना। हम थोड़ी देर यहाँ पे उसका फ़ोटो लेंगे और उसका थोड़ा ऊपर जाएंगे, कुछ खाएंगे और वहाँ पे जाएंगे, और वहाँ का जो सीन होगा आपको हम दिखा देंगे। तो ये भाई लोग हम यहाँ पर खेलने वाले थे, बस आदित्य को थोड़ा डर लग गया, इसलिए मतलब हम अभी वो नहीं कर रहे, स्विंग नहीं कर रहे, क्योंकि उसको लग रहा है वहाँ पे सेफ्टी नहीं है। बात तो सही है, लेकिन क्या करे मतलब वहाँ के पकड़ने का जगह तो था, मतलब एक पर्सनल बेल्ट होता ना, पर्सनली बेल्ट जो अटैच रहता है इस साइड से, उसमें कुछ बेल्ट अटैच नहीं है, वो रस्सी का, सिर्फ चार रस्सी का उसमें सहारा। हम सोच रहे थे कि जो मतलब नया भाई है ना उसको यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा दूँ, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे ना बहुत भीड़ है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग हैं, इसलिए अब हम वहाँ पे जाके कुछ नाश्ता करेंगे। और लगता है यात्रा शुरू हो गया है, वहाँ पे फायरिंग हुआ है अभी अभी, फायरिंग चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे अभी जो यात्रा है ना वो अभी स्टार्ट हो चुकी है, तो वहाँ पे जाके आपको मतलब वहाँ का जो भी माहौल होगा हम आप लोगों के सामने मतलब शेयर कर देंगे, ठीक है? हमारा तो आएगा
ज़्यादा हम मतलब शॉर्टकट लेके हम ऊपर जाने वाले थे, लेकिन क्या हुआ कि हमारा भाई जो है वो थोड़ा मतलब थक गए, वो बोल रहा है कि वो चल नहीं पा रहा है। तो अभी हम यहीं पे अभी रास्ते में खड़े, तो देखते हैं मतलब ऊपर कब तक पहुँचेंगे। फाइनली गाइस हम ऊपर आ चुके हैं, बहुत सीढ़ी चढ़ने के बाद अभी मैं थकान भरा है, देख सकते ऊपर मतलब कितना लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, देख सकते कितना तैयार करवा। मैंने आप लोगों ने ऊपर जाके दिखा देता हूँ, ठीक है। जे भनेर के हुन्छ नि देखो ये बिल्कुल कितना ज्यादा क्राउडेड है यहाँ पे, इसको बोलते हैं इसको लिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या होता है कि सबसे जो ऊंचे वाला पेड़ होता है ना उसको कट करके यहाँ पे लेके आया गया था, वो भी मिलिट्री के साइड से। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे ना इसको मतलब डाला जाता है। ये जो फंक्शन था वो 3 दिन पहले था, लेकिन अभी वो मिस हो चुका है क्योंकि हमारा जो अंकुश में होता है बीमार हो चुका है। ये इतना अच्छा लगे बढ़िया लग रहा है, सही होता है और देख ही सकते हैं जो है यह भरे भी मंदिर, इसका भी बहुत बड़ा मतलब रास्ता है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए। थोड़ा दरबार के साइड जा रहे हैं अभी, ठीक है, रास्ते में सामने दिख रहे हैं ओके, दरबार बोलते हैं जाने बहुत पुराना वाला जनरेशन टाइम में, अगर आप लोग कहीं से भी हो पाकिस्तान से इंडिया से यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पर जरूर आएगा, ठीक है। ये देख सकते कपड़े वगैरह हो गए यहाँ पे सेल करने के लिए रखा है, तो यहाँ पे अब हम गए मामा से, अब हम ना मामा के साथ थोड़ा घूम लेंगे। अब देख सकते हो शूज वगैरह है, बैग वगैरह सब कुछ सेल के लिए, यहाँ पे हुआ फिश वगैरह हो गया। यात्रा होता है ना ये बहुत फेमस होता है, बहुत मज़ा आ रहा है। हम सोच रहे कि हम अकेले हो गए, लेकिन क्या होगा कि लकीली हमको मामा मिल गया, तो हम अभी मामा के साथ हैं। मामा से नेपाली में बात करेंगे, तो मतलब अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आया तो थोड़ा मतलब वो समझ कर दिया जाएगा। अभी यहाँ का जो साइट है ना ये अर्थक्वेक की वजह से जो है बहुत मतलब डिस्ट्रॉय हो गया था ना उस टाइम पे, तो अर्थक्वेक के डैमेज की वजह से अभी से मतलब रिबिल्ड कर रहे हैं इसको, मतलब सब कुछ तोड़ के फिर से नहीं बने यहाँ जितना भी सब जो है अस्तित्व के टाइम भी हुआ था ये सब चीज़ें, तो इतना अच्छा था, लेकिन अभी के टाइम में अस्तित्व की वजह से ऐसा हो रहा है।
ये जो है ये सबसे मेन जो है, लेकिन क्या हुआ कि बहुत शॉर्ट की वजह से हम नीचे से आ रहे थे। सीधा रास्ते में चल रहा है ना, तो मतलब 1 किलोमीटर तुम आराम से चलते हो, अगर वही रास्ता अगर तुम पहाड़ में चलोगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है गाइस। तो ये जो है एक गेट ऐसा रहे यहाँ का, देख सकते हैं मेरे पीछे, और हम अभी वहाँ पे ऊपर चले जाएंगे और हम वहाँ का व्यू दिखा देंगे आपको। मिले हैं हमारे छोटे भाई से, अरे क्यों सर मारे हो बेटा, हेलो बोलो, हेलो जरा आवाज़ नहीं बोलना, बोल दो हिंदी में। हाँ उसको ना बहुत ज़्यादा हिंदी बता लेंगे, अभी थोड़ा समय रहा है ये बच्चा। हिंदी और इंग्लिश बहुत अच्छा बोल लेते हैं। बाजार में है ना उस साइड लेके जाना, ठीक है। और यहाँ सामने दिख रहे हैं वहाँ जीता जी है वहाँ पे ना, यहाँ पे लॉटरी वाला गेम होता है जैसे देते हैं, और आपको मतलब वहाँ जाके बता दीजिए कि टिकट का जो प्राइस होता है कितना होता है, और देखिए जाएंगे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है। तो चलो हम आपको नीचे जाके दिखा देंगे ना, अभी हम यहाँ पे लॉटरी होता है आने में इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से मेरा दोस्त है नंबर 3 हो गए, इसका प्राइस हो गया 30 है, और ये हमको मिल गया तो हम क्या करेंगे बोलो। और वाली बियर हमारा लोटी लग गया ना, तो हम बियर ले लेंगे गाइस, तो देखते हैं हमारा नंबर आता है कि नहीं। लॉटरी नहीं लग गया तो इस बार फिर से देखेंगे लॉटरी मिलता है कि नहीं, अभी घूमना स्टार्ट हो गया है तो देखिए मतलब क्या होता है इसके बाद, हम देखें आपको बता देंगे। कहाँ हम वहाँ से ना निकल चुके हैं क्योंकि मतलब वहाँ पे हम इतना ज़्यादा मतलब टिकट खरीदे लोग, लेकिन एक भी टिकट हमको नहीं पड़ा गाइस। अभी हम मतलब थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए ऊपर आए थे, यहाँ बैठे बैठे थोड़ा शाम हो गया, हम भाई से बैठ रहे हैं, ठीक है। आपको बताएं एक कुत्ते का नाम क्या है, पूछने रखा है बाला बाला बाला। तो गाइस अभी हम थोड़ी देर के बाद यहाँ से निकल लेंगे, ठीक है, क्योंकि मतलब यहाँ पे ना मतलब रेस्ट करनी पड़े नहीं, ये जो शॉप है ना हमें तो दीदी गया है मेरे भाई, और अब जब भी हम यहाँ आ गए ना तो यहाँ आके मतलब नाश्ता वास्ता कर लेना, ठीक है, लेकिन पेमेंट जो है खुद कर लेना। तो गाइस अभी हम नीचे चलते हैं, ठीक है, मेरा मामा जी है, ठीक है गाइस। हाय। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं नीचे, देखते हैं माहौल कैसा है थोड़ा। स्कूल है ना, मेरे मामा जी भी हैं जो मतलब स्टडी की है, ठीक है, और मेरा जो मोमी है वो स्टडी की है। ये बहुत मतलब पुराना स्कूल है, देख सकते हैं इसका माहौल ऐसा है, आप देख सकते हो बहुत एरिया जो है बहुत ज़्यादा। तो गाइस मैं सोच रहा कि यहाँ का नज़ारा भी दिखा दूँ, तो यहाँ का नज़ारा जो है वो इस तरीके का है, ठीक है, ये चलने वाला रास्ता, हम यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे। रोटी खरीद रहा है उसे 2000 खत्म कर तुम्हारा ऐसा क्यों? एक छोटी सौ रुपये पर है यहाँ पर तार उठा हुआ है ऊपर है दूर है इधर दूर है
लक टेस्ट कर रहे हैं। तो गाइस हमारा भी बस आ रहा है, हम इसी बस में जा रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे इतना क्राउड है ना, मतलब यहाँ पे गाड़ी जो है यहीं पे आते 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 ये क्राउड की वजह से Thank you.